Assalamu alaikum. So this is going to be a video on how to study neural anatomy for second year MBBS students, UHS. Neural anatomy is to be done from this book, Snell's by Neural Anatomy. ये book काफ़ी अच्छी book है और यही आपकी recommended book है. आपके MCQs और SCQs इसी book से ही आने हैं, तो ये आपने book ले लेनी है. अच्छा, ये book आपने सारी नहीं पढ़नी, आपने इसको selectively पढ़ना है फॉर प्रॉफ एंड फॉर योर टर्म्स. वो कैसे पढ़ना है वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, मगर इसकी वेटेज कंपैरेटिवली आपने याद रखना है कि कम है और इस पर आपने हर वक्त नहीं लगा रहना, मगर इसके कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से ले लेने हैं, क्योंकि दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर नर्वस सिस्टम ऑफ फिजियोलॉजी, जिसमें सेंसरी और मोटर आता है एंड स्पेशल सेंसेस का भी टॉपिक. सारी क्रेनियल नर्व्स भी इसी में से ही अच्छे तरीके से कवर हो जाती हैं फॉर ग्रॉस के लिए. और तो आपने न्यूरल एनाटॉमी अच्छे तरीके से पढ़नी है, मगर इसको सेलेक्टिवली पढ़ना है और कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है. आगे ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस है आपके टोटल एनाटॉमी सिलेबस की. यहाँ पे मैंने आपको इसलिए डाली तस्वीर ताकि आपको मैं शो कर दूँ इसकी वेटेज वगैरह और कंपेयर टू अदर टॉपिक्स. ये जो ब्रेन का टॉपिक है ना इधर, ये न्यूरल एनाटॉमी का सिलेबस का कंपोनेंट है. तो ये आप नजर आ जाता है आपको कि आप काउंट करें तो ये 7 MCQs बनते हैं और 1 SCQ बनता है आउट ऑफ द टोटल 9 SCQs. तो ये कंपैरेटिवली छोटा है. ये बेसिकली फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स की रिप्लेसमेंट है फॉर जनरल एनाटॉमी, मगर ये जनरल एनाटॉमी से काफी ज्यादा मुश्किल है और इसका वाइवा भी थोड़ा सा मुश्किल होता है. इन कंपैरिजन ये आप देख सकते हैं, एब्डोमेन के 2 SCQs हैं, हेड एंड नेक के 2 SCQs हैं, एम्ब्रियोलॉजी के 2 SCQs हैं और काफ़ी MCQs भी हैं, हिस्टोलॉजी के भी 1 SCQ है. तो इसकी वेटेज आपने देख ली है, तो आपने इसको काफ़ी सिलेक्टिवली पढ़ना है. ये आपका सिलेबस है न्यूरल एनाटॉमी का. इसको ये इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दिया है ताकि आप देख लें, अपने लिए डाउनलोड रख लें. और ये आपने ज़रूर देखना है. इसके जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ें न्यूरल एनाटॉमी का, तो आपने ट्राई करना है कि इसको एज अ चेकलिस्ट यूज़ करें और आप इसको कट करते रहें जब भी आप पढ़ते रहें, ताकि इससे ये फायदा होगा कि आपका प्रॉफ के रेफरेंस से कोई भी चीज मिस नहीं होगी. तो कोई भी सवाल आ जाए प्रॉफ में आपको अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, तो ये आपने जरूर रखना. अच्छा, इसके एंड में ये क्लिनिकल कंडीशंस दी हुई हैं रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम. ये आपने जरूर अच्छे तरीके से करनी है फ्रॉम नॉट ओनली फॉर न्यूरो एनाटॉमी, फॉर न्यूरोफिजियोलॉजी एज वेल. इसका वाइवा ले लिया जाता है और अक्सर यही सिनेरियो बन के भी आ जाती हैं. इससे ज़्यादा न्यूरो एनाटॉमी का आपने ये याद रखना है कि इसके काफ़ी ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं विद न्यूरोफिजियोलॉजी. वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है. और मैं फर्दर भी आपको आगे बता दूंगा कि आपने कौन से टॉपिक्स दिमाग में रखने हैं और अच्छे तरीके से करने हैं फॉर नॉट ओनली फॉर न्यूरो एनाटॉमी, फॉर फिजियोलॉजी एज वेल. अच्छा, तो आपकी जो MCQ बुक, अच्छा न्यूरो एनाटॉमी में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इसके जो SCQs हैं ये काफ़ी पेट क्वेश्चंस होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं. तो आपने क्या करना है कि एक अच्छी सी पास्ट पेपर बुक रखनी है. मोर ओवर आपने अपने कॉलेज के जो SCQs हैं ना, जो आपको टेस्ट के दौरान SCQs मिलते हैं, वो आपने ज़रूर आपने वो सेव रखने हैं, क्योंकि वो अक्सर प्रॉफ में आ जाते हैं. उससे ज़्यादा मुश्किल कुछ आएगा नहीं. तो आपने वो सिलेक्टेड SCQs और MCQs होते हैं और वो अक्सर रिपीट हो जाते हैं, आपके टर्म्स में भी रिपीट होंगे, टेस्ट के MCQs आपके टर्म में रिपीट होंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये MCQs और SCQs की बुक, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, ये MBBS क्रैक्स बाय मेडिकल ग्लोब बुक है. इसके अंदर एनाटॉमी की सारी हो जाएंगी, मगर आपने याद रखना है कि आपने न्यूरो एनाटॉमी की सारी करनी है, सारे MCQs और SCQs में से अगर आपने कर लिए तो आपके प्रॉफ में कोई भी चीज़ ड्रॉप नहीं होगी. ऑल्टरनेटिवली अगर आपके पास नहीं है मेडिकल ग्लोब, तो ये आमना इकबाल भी है. आमना इकबाल के मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप SCQs जो हैं वो आप आमना इकबाल के करें न्यूरो एनाटॉमी के, क्योंकि आमना इकबाल के पास ज़्यादा डिटेल्ड SCQs होते हैं और ज़्यादा होते हैं. तो अगर आप इसके कर लें SCQs और इसके MCQs कर लें, तो यू विल बी डन फॉर न्यूरो एनाटॉमी. अच्छा, तो आपकी न्यूरो एनाटॉमी करने की स्ट्रेटेजी क्या है, आपने किस तरीके से करना है? अच्छा, ये मैंने कॉन्टेंट्स का पेज खोल लिया आपके न्यूरो एनाटॉमी की बुक का. आपने स्ट्रेटजी ये रखनी है फॉर प्रॉफ के, आपने न्यूरो एनाटॉमी के ना SCQs वगैरह पहले देखने हैं अच्छे तरीके से फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक
पास्ट पेपर्स में जो है, क्योंकि आपके सवाल भी पास्ट पेपर्स में से ही आने हैं। ये गुड थिंग है न्यूरल एनाटॉमी के लिए, क्योंकि उसके रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने पास्ट पेपर के देखे, वो अगर आपको नहीं, वो आपको समझ नहीं आएंगे, एकदम से नहीं समझ आएंगे, उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट लेने के लिए आपने सारी बुक्स पढ़नी है, और एमसीक्यूज के लिए भी आपने ये बुक्स पढ़नी है। ठीक है, ये पहले 3 चैप्टर्स आपको जो नजर आ रहे हैं, ये इतने ऐसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर न्यूरल एनाटॉमी सिलेबस। ये इसके अंदर जनरल चीजें लिखी हुई हैं। अगर आपने इनमें से कुछ करना हो तो स्पाइनल कॉर्ड की चीजें कर लें, जो थोड़ी बहुत जनरल फीचर्स दिए हुए हैं। चैप्टर 2 जो है न्यूरोन्स एंड न्यूरोग्लिया, इसमें से आपने सिर्फ रिसेप्टर करना है और रिसेप्टर का टेबल करना है। ठीक है, सिर्फ, ठीक है, इसमें से कुछ प्रॉफ रिलेटेड कोई भी चीज नहीं आनी, ना ही उसके कोई एमसीक्यूज आते हैं, और मुश्किल से, बहुत मुश्किल से एमसीक्यू आ जाते हैं। इसके भी नर्व फाइबर्स का ये आपने टेबल कर लेना है, ये ज्यादा आप फिजियो में कर लेते हैं, ये तीनों चैप्टर्स। तो फिजियो सेंसरी फिजियोलॉजी में, सेंसरी जो आपकी न्यूरो एनाटॉमी है उसमें, न्यूरो फिजियोलॉजी उसमें कवर कर लेते हैं। बाकी ये अच्छा, आगे से जो आपका चैप्टर 4 है, यहाँ से आपकी न्यूरो एनाटॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरू होती है। यहाँ पे ये हमारी एक मैम थी, डॉक्टर फातिमा थी, उन्होंने ये चीजें लिखी थी हर चैप्टर के आगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये आपने हर गेज नहीं छोड़नी। ये आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में, मगर यहाँ पे ये जो नंबरिंग आपको नजर आ रही है इधर, ये मैम ने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट वाइज ये आपने वेटेज वाइज जाना है, न्यूरो एनाटॉमी को आपने वेटेज वाइज पढ़ना है फॉर प्रॉफ। ठीक है, क्योंकि इसके वेटेज कंपेरेटिवली कम है और आपने इसको सेलेक्टिवली पढ़ना है। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है कि आपने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है, फिर ब्रेन स्टेम पढ़ना है, फिर आपने सेरिबेलम पढ़ लिया, फिर आपने ये आगे ये टॉपिक्स किए, फिर आपने ये 6 7 8 ये सारा नजर आ रहा है आपको। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने नहीं करना है, इसके अगर कुछ करना है तो हमने फर्स्ट 3 पेजेस करना है, क्योंकि ये इसने इसके ऐसे जितने टॉपिक्स ना ही पास्ट पेपर में कभी सवाल आया, और ना ही, और ये पहली बात है भी थर्ड ईयर का टॉपिक, तो आपने इसको नहीं करना है इसको यूनिट में। और ये बाकी नजर आ रहा है आपको, ये वेंट्रिकुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ब्लड सप्लाई है, तो ये आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले आपने वेंट्रिकुलर सिस्टम करना है और स्पाइनल कॉर्ड करना है, फिर आपने ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन करना है, और फिर यहाँ ब्रेन स्टेम कर लिया, फिर आप सेरिबेलम में मूव ऑन करते हैं। तो ये जनरल गाइडेंस थी आपने किस तरीके से टैकल करना है। सो मूविंग ऑन टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ न्यूरो एनाटॉमी, चैप्टर 4 जो आपका चैप्टर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पाइनल कॉर्ड का है, और आपको पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड का जो टॉपिक है, दिस मेक्स अप हाफ ऑफ योर न्यूरो एनाटॉमी सिलेबस। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। स्पाइनल कॉर्ड के चैप्टर में असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स आते हैं, और इंटरसेगमेंटल ट्रैक्स। अच्छा, ट्रैक्स क्या होते हैं? ट्रैक्स आर अ बंडल ऑफ फाइबर्स इन द नर्वस सिस्टम दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द ब्रेन और बॉडी टू द अदर पार्ट। ठीक है, तो ये ट्रैक्स आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी। सो ये अक्सर ये कंफ्यूजिंग चीज होती है, तो ये मैंने सोचा मैं बता दूं इधर ही, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जितने भी ट्रैक्स चल रहे हैं, जो बेसिकली न्यूरॉन्स से ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जो ब्रेन से आ रहे हैं, तो पेरिफ्री से जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये चैप्टर बेसिकली उनके बारे में। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके अंदर ये इनिशियली लिखा है ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्टिब्रल सिस्टम, वर्टिब्रल कॉलम, ये आपने बस रीड कर लेना है। अच्छे, बस इसको इतना ऐसे इंपॉर्टेंट, ये स्पाइनल कॉर्ड का चैप्टर वैसे ही सारा रीड करना है, मगर इसके अंदर ये मैंने इधर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, जो मैंने पास्ट पेपर में से टॉपिक्स देखे थे, जो अक्सर एमसीक्यूज और एसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। ये इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एक्सटर्नल जो आपको बाहर से नजर आ रहा होता है ग्रॉस फीचर्स, इंटरनल फीचर्स जो आप स्पाइनल कॉर्ड का अगर आप सेक्शन देखें, उसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा होता है, किस तरह की चीजें होती हैं, बेसिकली इसकी डायग्राम है जो आपने देख लेनी अच्छे तरीके से। और ये ब्लड सप्लाई, स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको, ये जो ब्लड सप्लाई ऑफ आगे ब्लड सप्लाई ऑफ नर्वस सिस्टम वाला जो चैप्टर है, वो बिल्कुल एंड में है, ये उसमें कवर हो जाती है। मगर अगर आपका फर्ज करें टेस्ट है, तो ये आपने स्पेसिफिकली ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड से देख लेनी है, उस चैप्टर में से देख लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने याद रखना है। फिजियो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूरो एनाटॉमी के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ये एरेकिनॉइड स्पेस वगैरह है, और ये फाइलम टर्मिनल और कॉर्डा एक्विना है, ये स्पेसिफिक फीचर्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के, एक्सटर्नल फीचर्स में काउंट होते हैं बेसिकली। इसके आपको लेवल्स पता होने चाहिए, ये आपको लेवल, जैसे कौन से स्पाइनल लेवल पे जाके खत्म हो जाता है, कौन से टी थोरेसिक लेवल पे खत्म हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और कौन से लेवल पे एरेकिनॉइड
रेकेनोइड स्पेस खत्म होती है, ये आपने इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा असेंडिंग ट्रैक्स, अच्छा आपने क्या करना है कि असेंडिंग ट्रैक्स किस तरह पढ़ने हैं, आपने असेंडिंग ट्रैक्स का टेबल पढ़ा होगा आपके आगे स्पाइनल कॉर्ड वाले चैप्टर में, वो आपने अच्छे तरीके से सारा उसके पहले नेम्स अच्छे तरीके से याद होने चाहिए आपको। फिर आपने क्या करना है, उसके फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स कर लेने हर के। अगर आपको हर किसी के याद नहीं रहते तो आपने इंपॉर्टेंट वाले के करने हैं, जिसमें डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम आता है और एंट्रोलेटरल पाथवे, इन सब के आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स आने चाहिए। ठीक है, नेम्स आपको वैसे सबके आने चाहिए। आगे डिसेंडिंग ट्रैक्स का भी सेम सिचुएशन है, आपने इसी तरीके से ही करना है। न्यूरल एनाटॉमी में अगर आप टेबल्स अच्छे तरीके से कर लें और टेक्स्ट इतना इतना ना भी पढ़ें, तो आपको टेबल्स बहुत अच्छा आगे मार्क्स की तरफ ले जाती हैं। टेबल्स आर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके अलावा क्लिनिकल्स, अच्छा क्लिनिकल्स में आते हैं तो न्यूरोनेटमिन में सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के हैं। अक्सर इसके एसईक्यू भी आ जाता है, एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं, एमसीक्यूज तो आना ही आना है किसी ना किसी डिजीज के ऊपर। वो कहेंगे कि आप ही फर्ज करें ये वाला पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कट है, इसमें कौन से ट्रैक्ट खराब हो जाएंगे और इसकी वजह से किधर डेफिसिट आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको नजर आएगा जब आप न्यूरो एनाटॉमी पढ़ेंगे कि ट्रैक्स जो हैं वो फर्ज करें ऐसे ऊपर जाते हैं तो वो क्रॉस ओवर भी करते हैं टू द ऑपोजिट साइड, तो ये क्रॉसिंग ओवर का भी आपको याद होना चाहिए कि किस किस पॉइंट पे कर रहे हैं, किस किस पॉइंट पे कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने जरूर जहन में रखनी है। अगर आपको ये नहीं समझ आई तो आफ्टर रीडिंग स्पाइनल कॉर्ड का चैप्टर आप जरूर देखें जो मैंने अभी आपको क्या बोला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट कौन से, ब्राउन से कॉर्ड सिंड्रोम जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का हेमी सेक्शन होता है, ये वही वाला है। ठीक है, हर डिजीज का आपको पता होना चाहिए ये किस लेवल पे, किस चीज, कौन से ट्रैक्स डैमेज हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको कौन से सेंसेशन लॉस हो रही है, किस साइड की सेंसेशन लॉस हो रही है और किस साइड का मोटर लॉस होता है। अक्सर क्या होता है कि सिनेरियो में सेंसरी लॉस दे देते हैं और फिर बताते हैं कि मोटर लॉस इधर हुआ है और मोटर लॉस इस साइड पे हुआ है, सेंसरी लॉस इस साइड पे हुआ, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन से ट्रैक्स खराब हुए हैं, कौन से ट्रैक्स नहीं खराब हुआ। मैंने इसीलिए एम्फेसिस दिया है इस पे ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर ली हैं चीजें। इंटरसेगमेंटल ट्रैक्स ऐसे जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, रेनशॉ सेल्स भी आप ज्यादा न्यूरोफिजियोलॉजी में कर लेते हैं, क्लिनिकल नोट्स और इसके एंड में एसईक्यू जो है वो बस आप रीड कर लें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई, मेजर पाथवेज और ये सारा चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा, मूविंग ऑन टू चैप्टर 5 विच इज ब्रेन स्टेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, यूक्यूज भी मैंने काफी देखे हैं। यूक्यूज इसके अक्सर मैंने डायग्राम्स देखे हैं, 5 मार्क की पूरी पूरी डायग्राम्स आती हैं और वो सिर्फ इसके अंदर एक दो पेजेस की हैं, तो आपने ब्रेन स्टेम अच्छे तरीके से कर लेना। वाइवा में भी आई हैव नोटिस्ड कि मैम्स हमारे कॉलेज की स्पेसिफिकली हम ब्रेन स्टेम का पूछ लेती थी और अक्सर स्पाइनल कॉर्ड से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लेती थी मैम। स्पाइनल कॉर्ड तो पूछना ही पूछना होता है ना, उसकी बेसिस पे बंदा पास या फेल होता है। तो सेक्शंस, ब्रेन के जो ब्रेन स्टेम के सेक्शंस हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शंस क्या हैं, ये मैंने एक पीडीएफ बनाया, मैंने सारे सेक्शंस जो ब्रेन स्टेम के अंदर हैं वो मैंने एक ही जगह कंपाइल करके ये ऐसे मैंने रख दिए हैं। ये आपको बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको सारे आने चाहिए, डायग्राम्स और ड्रॉ करने, लेबलिंग भी। ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया पीडीएफ देखने के लिए, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये सेक्शंस ब्रेनस्टेम, ये अक्सर सीधे सीधे 5 मार्क के आ जाते हैं। ये अक्सर मैंने देखा है ये डिकसेशन के लेवल पे जो है, ये इसका 5 मार्क्स से पूरा आ जाता है। और ये आपने सिंपल सी ड्राइंग है, स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, तो ये आपने जरूर याद रखना है। तो ये आपने याद रखना है कि ब्रेनस्टेम इज द पार्ट विच इज डायरेक्टली अबव द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेनस्टेम कनेक्ट्स द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये आपने याद रखना है। तो इसकी काफी सिमिलैरिटीज होंगी विद द स्पाइनल कॉर्ड, तो आपने ये याद रखना है। तो इसकी डायग्राम जिस तरह करने आसान हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर ये अभी ये जो येलो में जो 2 टॉपिक्स है ना, स्कल एनाटॉमी एंड क्रेनियल कैविटी, ये हेड एंड नेक का जो पोर्शन है ना जिसमें स्कैल्प वगैरह, उसमें ही कवर हो जाता है। मगर अगर आप यहाँ से देखना चाहें कुछ, तो आपको क्रेनियल फॉसा की बाउंड्रीज आनी चाहिए, अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि ये वाइवा में पूछ लेते हैं स्कल पकड़ा के आपको, और वो पूछ लेते हैं ऑस्पी में, पूछ लेते हैं प्रैक्टिकल में भी पूछ लेते हैं। और क्रेनियल फॉसा के कॉन्टेंट्स, एंटीरियर मिडिल और पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा होते हैं, उनके आपको कंटेंट्स पता होने चाहिए, उसकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि आगे फर्ज करें किससे आप एंटीरियरली किस तरह, पोस्टीरियरली किस तरह बन रहा है,
फ्लोर वगैरह इतना नहीं, बस कंटेंट्स पता होने चाहिए। अच्छा, इसके अंदर ना क्रेनियल कैविटी के बिल्कुल एंड में, और जहाँ पे आपका ब्रेन स्टेम का टॉपिक शुरू हो रहा है, वहाँ पे फोरामिना का टेबल दिया हुआ है। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट टेबल, या आपने पूरे अच्छे तरीके से करना है ये पूरा टेबल। ये ऑस्पी के रेफरेंस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा के भी रेफरेंस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज के रेफरेंस से। ये अक्सर इतना क्लैरिफाइड नहीं होता, बच्चे इसको नहीं करते, और ये अक्सर हमेशा वाइवा में पूछ लेते हैं। इसका आपको पता होना चाहिए, फोरामिना आपको ट्रेस करना आना चाहिए कि फर्ज करें ये फोरामिना है, ये इसके अंदर से क्या चीज गुजर रही है, और ये किधर पड़ा हुआ है, फोरामिना कौन से क्रेनियल फोसा में पड़ा हुआ है। और अगर आपको कोई स्कल पकड़ा दें एनाटमी में, आपके ऑस्पी में या वाइवा में, तो आपको पता होना चाहिए हाँ ये वाला फोरामिना है और ये इधर प्रेजेंट है, ये इधर प्रेजेंट है। अच्छा, इसके अलावा ब्रेन स्टेम के टॉपिक में मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन, ये बेसिकली फॉर्म करती है आपका ब्रेन स्टेम। इसके एक्सटर्नल फीचर्स पता होने चाहिए। अच्छा, एक्सटर्नल फीचर्स में ब्रेन स्टेम के ना ये भी नजर आता है कि कुछ क्रेनियल नर्व्स एग्जिट हो रही है, वो आपने जरूर पता होना चाहिए। शुड नो विच क्रेनियल नर्व एग्जिट्स फ्रॉम पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑलिव्स और सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल के दरमियान से क्या चीज निकल रही है, सिमिलरली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंटरनल फीचर्स में ये सेक्शंस ही आते हैं जो मैंने आपको सेक्शंस की डायग्राम्स बताई थी, ये आपने अच्छे तरीके से करना, ड्रॉ एंड लेबल आनी चाहिए आपको ये चीजें। और इसके क्लिनिकल्स आप सिर्फ रीड कर लीजिएगा, इतने ऐसे जितने इंपॉर्टेंट है, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट है वो बस रीड कर लें आप, वो आपको कॉलेज में बता देंगे। जो भी आपके कॉलेज में स्लाइड्स है ना, उसमें जो भी क्लिनिकल्स हैं वो ही आप कर लीजिए, वो मोर देन इनफ। तो मूविंग ऑन, चैप्टर 6, सेरिबेलम एंड इट्स कनेक्शंस। सेरिबेलम ऐसा टॉपिक है जो आप न्यूरोफिजियोलॉजी में, जो मोटर का कंपोनेंट है न्यूरोफिजियोलॉजी में स्पेसिफिकली, बहुत अच्छे तरीके से हम उधर पढ़ते हैं। सेरिबेलम हम फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो अगर आप उसको उधर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स हेयर। तो इसका एज सच ग्रॉस स्ट्रक्चर आपको सिर्फ पता होना चाहिए, ऑस्पी रिलेटेड इसके लोब्स, डिविजन्स, ग्रॉस अपीयरेंस जो इधर है वो आपको पता होना चाहिए। सेरिबेलर कॉर्टेक्स बस रीड कर लें, ये फिजियो के अंदर हो जाता है, जिसके अंदर ये मॉलिक्यूलर लेयर, प्रकंजी सेल लेयर, ग्रेनुलर लेयर, ये इसका निमोनिक था माई पर्सनल गार्डन वाला, ये आपने बस फिजियोलॉजी के अंदर आप पढ़ लेंगे इसको अच्छे तरीके से। अच्छा, इंट्रा सेरिब्रल सेरिबेलर ट्रैक्स, सेरिबेलर न्यूक्लिया, सॉरी, इसके सिर्फ नाम पता होने चाहिए आपको अच्छे तरीके से। जैसे डीप सेरिब्रल जो न्यूक्लिया है उसके नाम, एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियस वगैरह जो जिसमें आते हैं। अच्छा, आगे जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं सेरिबेलर एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर्स। सेरिबेलम के अंदर क्या जा रहा है, बाहर क्या जा रहा है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके नाम अक्सर यूक्यू होता है हमारा प्रॉफ का, या आपने रिलेट करना है फिजियो के साथ। इसका सिर्फ एक टेबल है, वो आपने दो तीन टेबल हैं, वो आपने अच्छे तरीके से उनके नाम पता होने चाहिए आपको। सिमिलरली सेरिबेलर पेडंकल। अच्छा, सेरिबेलम को ना ब्रेन स्टेम के साथ ना तीन पेडंकल्स कनेक्ट करते हैं। पेडंकल्स के अंदर कुछ एक्सॉन्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं बेसिकली। सेरिबेलर पेडंकल्स के कंटेंट्स आपको पता होने चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या है और बाहर क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट यूके और एमसीक्यू के रेफरेंस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा स्पाइनल सॉरी सेरिबेलम का आपको ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। वंस अगेन, ये आपने ब्लड सप्लाई वाले चैप्टर से ही देख लेने, एक ही बार सबके ब्लड सप्लाई कर लेनी है। और इसके अलावा यस, अच्छा, इसकी जो डिजीजेस है ना, सेरिबेलर एटैक्सिया, सेरिबेलर डिजीजेस, निस्टैग्मस, वो आपने अच्छे तरीके से, वो हम उसके नाम से पहले आपको पता होने चाहिए ना, उसकी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए, ये क्यों ये चीज हो रही है ड्यू टू सेरिबेलम, सेरिबेलम के फंक्शन से रिलेट करना है। ये आपको अच्छे तरीके से उसी वक्त समझ आएगा जब तक आपने न्यूरोफिजियोलॉजी की हो, जो मोटर फिजियोलॉजी है ना उसमें सेरिबेलम का एक पूरा चैप्टर है, वो आपने जब अच्छे तरीके से की हो, उसके अंदर उसके चैप्टर के एंड में ही डिजीज है गाइटन में, तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। आपको पता होना चाहिए विच पार्ट ऑफ द सेरिबेलम इज डैमेज और क्यों वो एक सिनेरियो प्रेजेंट हो रहा है इस तरह का। अच्छा, मूविंग ऑन, सेरिब्रम, ये चैप्टर 7 है सेरिब्रम, ठीक है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये एज सच ये थ्योरी के रेफरेंस से इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर ये इम्पॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का ब्रेन नहीं समझ आता, ब्रेन का कोई भी टॉपिक नहीं समझ जब तक आपको ये अच्छे तरीके से ना समझ आओ।
ठीक है, ये रीड अलोंग विद फिजियो आपने ताकि इसको अंडरस्टैंड कर लें आप। अच्छा, इसके जो सब डिविजन है इतने ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं। डायनसेफलॉन, डायनसेफलॉन का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो सेरिब्रम है उसके दो पार्ट्स हैं, डायनसेफलॉन है टीलनसेफलॉन है। डायनसेफलॉन के आपको बताना चाहिए कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, रीड करें आप उसको, रिलेट करें, शुड नो द पोजिशन इन द ब्रेन, ऑसो भी रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर ब्रेन का सेक्शन होता है, सेरिब्रम का सेक्शन होता है और आपको बताना होता है कि हाँ यार ये क्या है ये क्या है, वो उसके ऊपर अक्सर पिंस पड़ी होती हैं, आपने ये अच्छे तरीके से कर लेना है। आपका मोटर फिजियोलॉजी का टॉपिक अगर शुरू होता है तो उससे पहले आप अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होता है ना सेरिब्रम का, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है मोटर फिजियोलॉजी। तो ये चैप्टर बेसिकली फॉर ऑस्पी है और फॉर अंडरस्टैंडिंग फिजियो ही है, वंस अगेन रेफरेंसिंग इट। तो आपने मेन सल्काई, अच्छा मेन सल्काई आपको पता होना चाहिए, सल्काई आर बेसिकली प्रेजेंट इन द ब्रेन टू इंक्रीज सर्फेस एरिया। जैसे एक सल्कस नहीं होता, जैसे एक लाइन होती है बेसिकली इन द ब्रेन, वो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। मेन सल्कस जो है ना वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है, ये क्योंकि अक्सर ये हॉलमार्क रेफरेंस की तरह होती है। जैसे सेंट्रल सल्कस है वो ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में होता है इन द कॉर्नल सेक्शन, वो आपको पता होना चाहिए ये मेन सल्कस है, इसके आगे क्या है इसके पीछे क्या है, इसके जायराय जो बनता है, इसका गायराय जो बनता है उसके आगे वाला गायराय क्या है, पीछे वाला गायराय क्या है। गायराय बेसिकली पार्ट ऑफ द ब्रेन सल्कस के आगे पीछे। इसके अलावा इसके अलावा जो प्रॉफ के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है जो व्हाइट मैटर, सेरिब्रम के अंदर जो पार्ट है व्हाइट मैटर का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस सी क्यू वाई वाई एंड एम सी क्यूज। इसके अंदर वो बताते हैं कि आपके मेजरल फाइबर्स क्या हैं, एसोसिएशन फाइबर्स क्या हैं, उसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स, प्रोजेक्शन फाइबर्स क्या हैं, कमेजरल फाइबर्स जो एक हेमिसफेयर को, एक दोनों हेमिस्फीयर्स को जो कनेक्ट करते हैं, एसोसिएशन फाइबर्स जो आपस में सेम हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करते हैं, प्रोजेक्शन फाइबर्स जो बेसिकली प्रोजेक्ट करते हैं इंटरनल कैप्स्यूल के अंदर इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके डेफिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स और एसिक्यूल्स के लिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो मूविंग ऑन टू चैप्टर 8, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लोकलाइजेशन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये बेसिकली क्या है, ये बताएगा पार्ट्स ऑफ द कॉर्टेक्स के, उसका पार्ट, उसके उसका नाम क्या है, स्पेसिफिकली कॉर्टिकल एरियाज कहते हैं उनको, बेसिकली नाम हुए हैं ब्रेन का, इसको ब्रॉडमैन एरियाज कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी हद तक आपको इसका आइडिया होना चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए, तो इसको आप रीड कर लें तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये प्रॉफ की रेफरेंस है, इसका सिर्फ एमसीक्यू की रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, एसीक्यू ऐसा जितना नहीं। अच्छा, आगे तो चैप्टर 9 रेटिकुलर फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि कंपोनेंट्स और फंक्शन जो है इसका आपने सिर्फ रीड करना है, ठीक है, ये इतना ऐसे जितना इंपॉर्टेंट है, इसके बस आपको पता होना चाहिए कि इसके कंपोनेंट्स क्या, रेटिकुलर फॉर्मेशन फॉर्म क्या करती है और लिम्बिक सिस्टम फॉर्म क्या करती है, किस चीज से बनता है, इसके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए आपको और फंक्शंस भी, आप लिम्बिक सिस्टम और रेटिकुलर फॉर्मेशन के दो दो तीन तीन फंक्शंस भी कर लें, मोर देन इनफ। अच्छा, मूविंग ऑन टू चैप्टर 10, बेसल न्यूक्लिया। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आप, ये वंस अगेन ये वही चैप्टर है जो हम फिजियोलॉजी में कर लेते हैं, मोटर फिजियोलॉजी बेसल गैंग्लिया का, वहां ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां आपने करना है कि वहां बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है, तो यहाँ सिर्फ आपने इसके कंपोनेंट्स और फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपने फिजियो के साथ ही करना है, इससे पता चल जाता है। अच्छा, एक चीज जो गाइटन में डेफिशिएंट है जो आपने इधर से ही करनी है बेसल गैंग्लिया की, वो है कनेक्शन ऑफ द कॉर्पस स्ट्राइटम ग्लोबस पैलेटस, ठीक है, ये बेसिकली मैंने बताना ये था कि ये इंपॉर्टेंट है फिजियो और एनाटॉमी के रेफरेंस है, ये कनेक्शंस क्या है, अगर आपको इधर से नहीं समझ आती तो ये डॉक्टर नजीब की वीडियो है बेसल गैंग्लिया पे, वो आपने अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो सेरिबेलम की भी, डॉक्टर नजीब की भी वीडियो है, वो भी आपने देखनी है, वो फिजियो के लिए भी है और एनाटॉमी के लिए, फॉर बोथ। तो अगर आप वो दोनों ही देख लें तो आपकी फिजियो भी प्रिपेयर हो जाएगी और एनाटॉमी भी प्रिपेयर हो जाएगी फॉर सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो आपने बेसल न्यूक्लिया के फंक्शंस भी अच्छे तरीके से कर लिए और डिजीजेस, अच्छा डिजीजेस जो है जिसमें पार्किंसंस आती है और हंटिंगटन्स आती है, ये आपने गाइडन में ही कर लें, गाइडन से ही कर लेने अच्छे तरीके से और यहाँ सिर्फ रीड कर लेना है, ठीक है। तो ये मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉफ के रेफरेंस से भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर फिजियो के वाइवा में पूछ लेते हैं, एनाटॉमी के भी वाइवा में पूछ लेते हैं, तो ये वाइवा के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट है, इसके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए आपको अच्छे तरीके से।
अच्छा, मूविंग ऑन टू क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। क्रेनियल नर्व्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल नर्व्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रॉस में भी हम पढ़ते हैं, न्यूरो एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं, फिजियो के सारे प्रैक्टिकल्स ही हर क्रेनियल नर्व के ऊपर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर ये बंदा अच्छे तरीके से कर ले, डायग्राम से पढ़े, क्रेनियल नर्व्स का आपको पता होना चाहिए, डायग्राम से आप देखें, क्योंकि इस तरह क्रैमिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये क्रेनियल नर्व्स के जनरल ऑर्गेनाइजेशन का ये टेबल है, ये आप रीड कर लें जरूर। यहाँ से आपकी हर एक एक नर्व शुरू हो जाती है टिल हेयर, ठीक है। आपको पहली बात तो हर क्रेनियल नर्व के नाम आने चाहिए, क्रेनियल नर्व 1 और फैक्ट्री नर्व, सिमिलरली फेशियल नर्व इज क्रेनियल नर्व 7। ये तो कम अज कम बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको सबको आ जाना चाहिए। ये तो आपने यहाँ पे गलती नहीं, क्योंकि अक्सर प्रॉफ में पूछ लेते हैं वाइवा में कौन से क्रेनियल नर्व के नाम बताओ, हमसे पूछा गया था, तो आपने कर लेना। अच्छा, ऑल्फैक्ट्री नर्व या मैंने येलो में वो चीज़ कर दी है जो सिर्फ आप रीड करें तो मोर देन नफ है, मगर ये जो ऑरेंज में ये आपने अच्छे तरीके से करनी है, कुछ भी हो जाए अच्छे तरीके से करनी है। ऑप्टिक नर्व हम फिजियो में कर लेते हैं इन द आई, जो आपका स्पेशल साइंसेज का टॉपिक है आई का, उसमें कर लेते हैं हम अच्छे तरीके से। आगे ऑक्यूलो मोटर ट्रॉक्लियर ये आपने रीड कर ली बस। अच्छा, आगे जो इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर प्रॉफ, वो है ट्राइजेमिनल नर्व और फेशियल नर्व। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके आपने न्यूक्लियाई भी करने हैं कि न्यूक्लियाई ब्रेन में किस तरह पड़े होते हैं, इसके फाइबर्स भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से फाइबर्स कैरी कर रहे हैं ये, वो मैं अभी आपको उसका टेबल बाद में दिखाऊंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स इन द क्रेनियल नर्व कौन सा है, उसका टेबल है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए हर क्रेनियल नर्व का बेसिकली कि ये किधर से एग्जिट करती हैं ब्रेन से, और कौन से स्कल के फोरामिना से एग्जिट करती हैं, इनका कोर्स क्या है ऑफ एवरी क्रेनियल नर्व। ये मैंने आपको फोरामिना का टेबल पहले आपको ब्रेनस्टेम में बताया था कि आपने उधर से देख लेना है, तो ये आपके हर क्रेनियल नर्व का हो जाता है, ठीक है। क्लिनिकल नोट्स, क्लिनिकल नोट्स आपने देख लेने हैं क्योंकि ये आई के रेफरेंस से, ये अगर आप ग्रॉस में भी पढ़ लेते हैं बेसिकली क्रेनियल नर्व का, मगर ये अगर आप इधर से पढ़ लें तो अच्छी बात है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्गिल रॉबर्टसन पीपल वगैरह ये सवाल एसईक्यू में भी आ जाते हैं। ये मैं आपको दिखा, ये मैंने डायग्राम इसलिए दिखाई थी ताकि मैं आपको दिखा दूं ये फिगर से कितना ज्यादा आसान हो जाता है काम। ये देखें सारे क्रेनियल नर्व के नाम हैं 1 to 12, और यहाँ बताया कि सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है, मिक्सड कौन सी है, ठीक है ना। ये हर क्रेनियल नर्व का बताया, ये दिखाया हुआ इधर की ब्रेन स्टेम से पर्टिकुलर ब्रेन स्टेम है, यहाँ से किधर से निकल रही हैं, और यस हर क्रेनियल नर्व का बताया हुआ। इसी तरह आपने फिगर से पढ़ना है, डायग्राम से पढ़ना है, ताकि आपका काम आधा आसान हो जाए। और तो ये टेबल है जो मैं आपके बात कर रहा था कि फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ईच क्रेनियल नर्व के, उसके हर क्रेनियल नर्व के अंदर कौन कौन से हैं, ये आपने टेबल अच्छे तरीके से कर लेना है। जनरल सेंसेशंस हैं, ये सारा अच्छे तरीके से आपको एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये आगे जैसे देखें GSA वगैरह लिखा होता है, ये आगे इसके कंपोनेंट्स में आ जाता है, जैसे देखें ऑल्फैक्ट्री नर्व के और सिमिलरली फेशियल नर्व के कंपोनेंट्स के, इस तरह ये आपने इस तरीके से कर लेना, ठीक है। ये टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ओपनिंग ऑफ द स्कल से भी बताया है, किस स्कल के किस फोरामिना से भी निकल रहे हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है अच्छे तरीके से। फंक्शन भी बताया हुआ है इसके अंदर बेसिकली, तो ये अच्छा टेबल है, इसको आपने टेबल अच्छे तरीके से कर लेना है। सिमिलरली ये आगे टेबल है, इसके अंदर भी यही चीजें बताई हुई है, सिमिलरली फोरामिना भी बताए हुए हैं इसके अंदर। मूविंग ऑन चैप्टर 12, ये बेसिकली थैलमस और हाइपोथैलमस वाले कंपोनेंट्स, चैप्टर 12 और फिर हाइपोथैलमस अगला। इसमें आपने ये करना है कि दोनों चीजों के लिए आपने ये करना है कि हर न्यूक्लियाई का नाम पता होना चाहिए आपको, थैलमस के न्यूक्लियाई, हाइपोथैलमस के न्यूक्लियाई का नाम पता होना चाहिए आपको, और इसके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। हर न्यूक्लियाई के थोड़े बहुत अगर आपको फंक्शंस पता है ना तो ठीक है, क्योंकि अक्सर ये क्योंकि न्यूरो एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने कोई कंपोनेंट का, जैसे फॉर एग्जांपल थैलमस का आपने पढ़ा है, स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा सा पार्ट अगर आपने पढ़ा, जैसे ट्रैक्स में पढ़ा, तो वो चीज यहीं रिपीट होगी। तो आपने जहां आपने अच्छे तरीके से पढ़ा वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। क्लिनिकल्स भी आप पढ़ लें, थैलेमिक हैंड है क्लिनिकल, और पता होना चाहिए थैलमस के लीजन से क्या हो जाता है, बस कनेक्शन जो है थैलमस के वो आप जनरली रीड कर लें, वो आपको वैसे ही अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है ना तो हो सकता है। मैंने क्या किया था, मैंने इसकी डॉक्टर नजीब की वीडियो देखी थी, तो उसमें मेरा काफ़ी क्लियर हो गया था थैलमस और हाइपोथैलमस के कंपोनेंट्स, बहुत ज़्यादा हो गए थे क्लियर, मगर वो बाद में मुझे पता चला कि ऐसे चीज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वीडियोस थी, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप डॉक्टर नजीब की वीडियो देखें, मगर इसकी न्यूक्लियाई और फंक्शंस आप रीड कर लें और क्लिनिकल्स भी, ये इससे काफ़ी हद तक हो जाएगा। तो मूविंग ऑन, आगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने आपको पहले बताया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके, अगर आपने कुछ करना भी है वो तो आप इसके फर्स्ट 3 pages कर लें। अच्छा, आगे ये मेनिंजेस वाला चैप्टर है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट।
इसकी जो ये बेसिकली हम पढ़ते ग्रॉस में है, तो ये आपने ग्रॉस में बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, मेनिंजेस वाले चैप्टर का आपने स्किप नहीं करना, ग्रॉस में वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, ग्रॉस जो आप KLM में पढ़ते हैं। ठीक है, अटैचमेंट्स, इसके ड्यूरल वीनस साइनसेस आपको पता होने चाहिए, ये किधर ड्रेन होते हैं, और कम्युनिकेशंस। ठीक है, इसके अच्छा इसी चैप्टर के अंदर ना कैवर्नस साइनस का है कंपोनेंट। कैवर्नस साइनस की आपको चीजें पता होनी चाहिए सारा, कि वो किससे कम्युनिकेट करता है, और उसके सारे कैवर्नस साइनस के अंदर से क्या क्या चीजें गुजरती हैं। कुछ क्रेनियल नर्व्स हैं और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना मेनिंजेस। बेसिकली अगर आप ये KLM से कर लें, और जो KLM आपकी ग्रॉस एनाटॉमी की बुक है, और BD से नहीं, सिर्फ KLM से कर ले, तो आपका ये टॉपिक अच्छे तरीके से कवर हो जाता है, तो आपको इधर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मूविंग ऑन टू द चैप्टर 17, विच इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये मैंने लाइक आई सेड प्रीवियसली, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने अच्छे तरीके से चैप्टर, ये आपने इस चैप्टर की एक एक चीज पढ़नी है। ठीक है, ये चैप्टर समझने के लिए और याद करने के लिए, तो ये डॉक्टर नजीब की वीडियो थी, इस पे आई गेस 90 मिनट्स की वीडियो है, वो आप अगर अच्छे तरीके से देख लें तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कि फर्ज करो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द आर्टरी विच इज ब्लॉक्ड, तो उसकी वजह से क्या होगा, या अगर दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन ब्रेन इज लॉस्ट, मतलब उसकी ब्लड सप्लाई इज लॉस्ट, तो वो कौन सी आर्टरी मतलब है जो उसको सप्लाई करती है। ठीक है, तो आपको शुड नो बाय पार्ट्स ब्लड सप्लाई ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है ना, जैसे फर्ज करें अगर आपसे कोई पूछे कि सेरिबेलम का ब्लड सप्लाई बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो अगर आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से किया हुआ है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि मेडुला की ब्लड सप्लाई, सेरिब्रम की ब्लड सप्लाई, सेरिब्रम की ब्लड सप्लाई इज बेसिकली पूरा इसकी डायग्राम आनी चाहिए आपको। ठीक है, और इसकी आपको मतलब ये पूरा UQ है। ठीक है, ये 3 मार्क्स का सवाल आता है। सर्कल ऑफ विलिस बनाना आना चाहिए आपको, और पता होना चाहिए कि है किधर, ये सारा डॉक्टर नजीब की वीडियो में वैसे कवर हो जाता है। सर्कल ऑफ विलिस की डायग्राम, ये किस कंपोनेंट से बनता है, मॉडल्स में भी आपको नजर आ जाना चाहिए, ये सब चीजें। ठीक है ना, सेरिबेलम की ब्लड सप्लाई, मेडुला की ब्लड सप्लाई, सारा आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड की भी ब्लड सप्लाई, जैसे मैंने आपको पीछे कहा था ना, स्पाइनल कॉर्ड के चैप्टर में उसकी ब्लड सप्लाई है, वो आपने एंड से करनी है, वो इस चैप्टर में से करनी है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की वेन्स भी आप कर लें। क्लिनिकल नोट्स, क्लिनिकल नोट्स के बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड सप्लाई इसके, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर और तो कुछ नहीं है, मगर ये आपने याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम आपने इधर से नहीं करना, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो का टॉपिक है, और एम्ब्रियो के अंदर भी आपने इसको काफी सेलेक्टिव करना है, तो ये आपने ये चैप्टर स्किप कर देना है स्नेल से। अच्छा, मूविंग ऑन टू वेंट्रिकुलर सिस्टम। अच्छा, वेंट्रिकुलर सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, आपको हर वेंट्रिकल के बारे में पता होना चाहिए, ब्रेन के किधर है, उसका रिलेशन पता होना चाहिए, मतलब हर वेंट्रिकल का के किस तरह बन रही है। ठीक है, इसके अंदर ये आप ये चीजें इम्पोर्टेंट है, ये आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर के आपको कंपोनेंट्स पता होना चाहिए सिर्फ। फोर्थ वेंट्रिकल की एक इम्पोर्टेंट, जैसे आपको पता चाहिए, जैसे वेंट्रिकल्स हैं, दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल है और फोर्थ वेंट्रिकल है, इसके रिलेशंस पता होना चाहिए। फोर्थ वेंट्रिकल के इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी पूरी ड्राइंग है फोर्थ वेंट्रिकल की, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी मैं डायग्राम्स लिंक कर दूंगा, ये मैंने खुद बनाई हुई है डायग्राम्स, और आप यूज कर सकते हैं अगर आपको इसकी जरूरत हो, PDF फॉर्मेट में प्रिंट करके आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली इम्पोर्टेंट ये सारा, इसके UQ और SEQ पूरे 5 मार्क्स का सवाल आता है, ड्रॉ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर, ठीक है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, CSF आपने रीड करना है, ये कंपोनेंट इसके अंदर, इसकी नॉर्मल वैल्यू आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेशन एंड ड्रेनेज भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, और एंडिंग ऑफ CSF, CSF का मतलब ये एंड किधर हो रहा है, कि किस स्पाइनल लेवल पे CSF खत्म हो रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ऑस्पिटल रिलेटेड चीजें ये हो सकती हैं, कि आपको ब्रेन के अंदर पता होना चाहिए कि हाँ दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल, आपको फिर नीचे पता होना चाहिए हाँ दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ब्रेन के मॉडल में स्पॉटिंग में आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, CSF की डिजीजेज आप इधर से आप देख लीजिए, हाइड्रोसेफलस वगैरह जो भी है, वरना ये फिजियो के अंदर भी पढ़ सकते हैं, क्लिनिकल जो नोट्स हैं CSF का जो चैप्टर है मोटर फिजियोलॉजी में, उधर से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ये आपका पूरा टॉपिक है। ठीक है, वंस अगेन इस चीज को मैं रिपीट करूंगा कि आपने UQs देखने हैं जरूर, मैंने UQs वाली ही चीजें ही डाली हुई हैं, और आपने उसको देख के आगे
टॉपिक पढ़ना है। अच्छा, सो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दैट आई वुड लाइक टू ऐड विच विल हेल्प यू इन योर एनाटॉमी प्रेप, नॉट ओनली फॉर एनाटॉमी बट फॉर फिजियोलॉजी एज वेल। अच्छा, ये जो आपके जहाँ कंटेंट्स खत्म होते हैं ना, ये कंटेंट्स का पेज, उसके आगे ही ये कलर एटलसिस ऑफ द ब्रेन है, ये वही न्यूरो स्नेल्स न्यूरो एनाटॉमी के बुक में है। ये बहुत अच्छे हैं डायग्राम्स, ये आप जरूरी देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको ऑस्पी रिलेटेड चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, आपको ये भी होगा कि फर्ज करें अगर आपसे कोई कहे कि सेंट्रल सल्कस क्या है, तो आपको पता चलेगा हाँ, ब्रेन के मॉडल के अंदर दिस इज अ सेंट्रल सल्कस। ठीक है, सल्कस बेसिकली होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे सल्कस या सल्काए, वो बेसिकली ये ट्रेंच होती है, ये ट्रेंच की तरह होती है, जैसे लाइक हिल नहीं होता, हिल के अंदर वाला एरिया, ये सारा ब्रेन में काफी सल्काए होते हैं इस तरह करके, मगर देर आर सम मेजर जो सल्काए हैं, दे आर स्पेसिफिकली नेम्ड, जैसे ये सेंट्रल सल्कस है। ठीक है, इसके आगे जो चीज होती है वो सल्कस के आगे या पीछे जो चीज होती है वो गायराय कहते हैं उसको, वो ब्रेन के पार्ट, उस ब्रेन के पार्ट को गायराय कहते हैं। तो बेसिकली सल्कस और गायराय का होने का क्या मकसद है, ये इसलिए है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज करें, क्योंकि ये पूरा ब्रेन का कॉन्वोल्यूटेड मॉडल, इतने ज्यादा सेल बॉडीज वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट है, वो ताकि इनका सेल एरिया, सेल सर्फेस एरिया इंक्रीज हो, ताकि मोर एंड मोर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हो, इसलिए दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो ये सल्कस नजर आ रहे हैं हमें, और इसके आगे ही ये दो ये जा रहा है। ठीक है, ये सेंट्रल सल्कस के आगे क्या होगा, वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, उसके पीछे प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, ये इसी तरह आपके टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है, तो ये आप मेक श्योर कि आप ये जरूर देख लीजिए। ये भी डायग्राम बहुत अच्छी है, ये आपके इंफीरियर व्यू ऑफ द ब्रेन है, इसके अंदर आपको नजर आ जाता है, ये ब्रेन स्टेम भी शो की हुई है, कुछ पॉन्स, कुछ क्रेनियल नर्व्स भी शो की हुई है, आपने जरूर देख लीजिए। इसके अलावा आगे ये कुछ, ये भी कुछ फिगर्स हैं ब्रेन के, ये आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो फिगर्स है ना, ये दो, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस इन फिगर्स के अक्सर मॉडल्स पड़े होते हैं, और यही पिंस पे लेबलिंग होगी। जैसे देखें, ये लैटरल सल्काए है, ठीक है, अगर मैं जूम करके दिखा दूं, ये लैटरल सल्काए है, ठीक है, सिमिलरली इधर ये हमें सेंट्रल सल्कस दोबारा नजर आ गया इस तरह के। ठीक है, और ये थोड़े बहुत जायराय के नाम है, ठीक है, ये आपने मेक श्योर करना है कि आपको ये अच्छे तरीके से आता हो। ठीक है, सिमिलरली ये ब्रेन के अभी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हुआ और ये हमें दिखा रहे हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि यही लेबलिंग्स आती हैं आपके प्रॉफ में भी, इससे बाहर कोई चीज़ नहीं आनी। तो अगर आप ये लेबलिंग अच्छे तरीके से कर लें, तो आपको नॉट ओनली समझना आसान हो जाएगा फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, बल्कि इम्प्लीमेंट करना भी ईजी होगा। तो ये कुछ सेक्शंस हैं, ये इतने सच नहीं। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये बेसिकली लाइक डायनसेफलॉन, बेसिकली सेरिब्रम का सेक्शन हुआ है कॉर्नल, और वो हमें लॉन्गिट्यूडनल सॉरी, और ये चेक किया हुआ है कि डायनसेफलॉन के कंटेंट्स वगैरह क्या, ये अच्छे तरीके से आप कर लेना, क्योंकि इसका भी ब्रेन की मॉडल के ऊपर रोशनी आ रही होती है। ये मैंने इस पर एक वीडियो डाली हुई है सर आशिक की, वो आप जरूर इस चैनल में देख लीजिएगा, ये ऑस्पी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आगे ये वही डायग्राम रिपीट होगी थोड़ी सी, और यस, ये डायग्राम आप अच्छे तरीके से कर लें, ये वही डायग्राम है, थोड़ी सी डिटेल्ड है। सो यस, थैंक यू।